हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल एस व्लॉग। और आज है दिवाली, सो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और अभी टाइम हो रखा है 1 बजे और अभी हमें जाना है दीदी के घर। गौरव और मैं जा रहे हैं क्योंकि अभी हम दीदी के घर कुछ मिठाइयाँ वगैरह पहुँचाने जा रहे हैं और उसके बाद दीदी यहाँ पे आएगी शाम को। और आज काफ़ी अच्छा जीने की, जैसे कि कल बहुत अच्छा दिन था, हम लोग ने मैच जीत लिया, जैसे मैंने वो व्लॉग भी बनाया था तो लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया उस व्लॉग पे। तो आई होप कि ये व्लॉग भी काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि भाई कल जो मैच जीते थे ना, उसकी खुशी अभी तक है और रात तक होगी। भाई आज ही हम उसी तरह से हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो गौरव यहाँ पे तैयार हो चुका है फिर से अपने। गौरव हाई तो बोल दे अपने फैंस को यहाँ पे। मैं दक्ष को जो गंदा हुआ था अभी, तो दोस्तों देख सकते हैं दक्ष के बाल थोड़े थोड़े आ रखे हैं। अब कैसा लग रहा है तुझे? रूही की गुड़िया के साथ खेल रहा है। अच्छा लग रहा है ऐसे बालों में? अरे और रूही को देख सकते हैं, रूही ए रूही। एक गांव वाली वीडियो थी जो नदी वाली, किसमें कहाँ रही आवाज आई मेरी? ये रूही की है ना। ये गुड़िया किसकी है भाई? रूही की है ना। ये मेरी है जिसमें ऐसे लेते यहाँ पर तब चलोगे वो चाहते ही बन जाएगी। ये सर्दी सही नहीं हुई अभी तक, खतरनाक वाली लगी आज। तो दोस्तों अभी बज रखे हैं 7 और दिवाली हमारे स्टार्ट हो चुकी है। और ये मेरा आउटफिट है, ये मैंने पहना है और रहा हूँ मैं। और ये गौरव का आउटफिट है भाई, तगड़ा ही लग रहा है यार तू भयंकर। तो दोस्तों ये है मम्मी का आउटफिट, कैमरे में तो देखेंगे नहीं, कैमरे में देखो ना यार। और वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट नाउ। और अभी हम दिवाली की पूजा कर रहे हैं, उसके बाद हम बाहर जाएंगे और बाहर का बाकी बाहर का दिखाएंगे। ये लग रहा है भाई पूरा भयंकर। और ये है मैं, अब कॉपीराइट ना आ जाए इसीलिए। अभी हम जला रहे दिया, गौरव जला रहा है दिया और ये सारे दिए भी हम जलाएंगे। ये जलाते हैं और बाकी सारे मोमबत्ती जलाएंगे। मोमबत्ती भाई को तोड़ रहे थे खतरनाक वाले मम्मी। और तो स्टार्ट हो गया है उसे जाते हैं भाई चलना। दोस्तों तो अभी हम वहाँ पर लाइट जला रहे हैं। तो आज मेरे एक थॉट्स आए मन में कि हम दिवाली जो है वो
कभी कभी हम होता है कि हम दिवाली में बहुत सारे मजे करते हैं, लेकिन दिवाली का असली मीनिंग मैंने जो समझा, जो जाना कि हमारे हिंदू धर्म में भी ये है कि जो दिवाली क्यों मनाई जाती है, भगवान राम जी थे, उन्होंने 14 वर्षों का वनवास काट करके वो अपने अयोध्या लौटे थे, और इस दिन सभी नागरिकों ने वहाँ पे जितने भी लोग थे, जितने भी उनको वहाँ पे नागरिक थे, उन लोगों ने उस दिए जलाकर उनका स्वागत किया। तो मतलब मेरा ये मानना है कि जो अंधेरा होता है वो अज्ञानता है। ये मैंने सद्गुरु का भी एक वीडियो देखा था, उन्होंने बोला था कि जो अंधकार रहता है वो अज्ञानता का रूप रहता है, और जो उजाला रहता है वो स्पष्टता का रूप रहता है, यानी क्लैरिटी का रूप रहता है। तो दिस इज़ एक्चुअली क्या बहुत डीप लाइन है, वो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोला जाता है, क्योंकि लाइट जो होती है, जो रोशनी रहती है, वो एक स्पष्टता का प्रतीक है। तो इसीलिए हम दिवाली मनाते हैं। वैसे सब लोगों को पता होगा, लेकिन मैंने शेयर करना चाहा, मुझे इधर देख। अरे खत्म खत्म पहले एक बार वो तो कर ले क्या वीडियो वीडियो बना रहा हूँ ना ये चल से जल जाएगा फिर कहाँ से वीडियो बना रहा करो भैया तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को जो नए आए हैं, एंड कीप सपोर्टिंग मी। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आएगा।